अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आए दिन बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं, जिनके वायरल होने का मकसद भी हमें मालूम नहीं होता। वायरल वीडियो की फहरिस्त में ऐसी कई वीडियोस होती हैं जो सीधे हमारे दिल से जा मिलती है। कई वीडियोस हमें गुदगुदाती है तो कई वीडियोस हमें रुलाती है। लेकिन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 12 साल के नन्हे पत्रकार जिसका नाम सरफराज खान बताया जा रहा है, उसकी एक वायरल क्लिप लेकर आए हैं, जिसने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। जी हां नाज़रीन, 12 साल का लड़का जिसका नाम सरफराज खान है, उसने एक ऐसा कमाल किया है जो कमाल बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। झारखंड के एक छोटे से जिले गोंडा के सुदूर इलाके से ताल्लुक रखने वाले सरफराज खान ने जिस तरह से स्कूल प्रशासन और सरकार को आईना दिखाया है, उससे सरफराज खान पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बन गए हैं। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए हमारे इस वीडियो से आखिर तक बने रहे और इस नन्हे पत्रकार पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरूर बताए। एक 12 साल का लड़का, नाम सरफराज खान। चप्पा कल में भी कोई नहीं हुआ है, देखे पानी पीने व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग। जिसने कुछ ऐसा कमाल किया कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। झारखंड के छोटे से जिले गोंडा के सुदूर इलाके से ताल्लुक रखने वाले सरफराज आज सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं, जिसकी वजह उनकी ये बेबाक पत्रकारिता है। सरफराज की पत्रकारिता के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल सरफराज ने अपने क्षेत्रीय रिपोर्टरों को पत्रकारिता करते हुए देखा था। उसी से प्रेरणा लेकर लकड़ी और प्लास्टिक का माइक बनाकर सरफराज निकल पड़ा अपने इलाके के एक सरकारी विद्यालय भिकिया चक की बदहाली दिखाने। इस वीडियो में जिस तरह से सरफराज खान ने खेल में रिपोर्टिंग की, उसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। जिस सरकारी स्कूल की बदहाली को नेता और पदाधिकारी नजरअंदाज करते आ रहे थे, उसी विद्यालय में आज अफसरों की गाड़ियां पहुंचने लगी है। वहां पदस्थापित शिक्षकों को फटकार लगाई गई है। सरफराज की पत्रकारिता का ही असर रहा है कि महज एक दिन में विद्यालय की पूरी काया पलट हो गई है। सरफराज अपने स्कूल की वीडियो बनाने की वजह के बारे में बताता है कि इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, जबकि मेरा छोटा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता है, इसलिए मुझे चिंता हुई और मैंने गुस्से में यह वीडियो बना डाली। दोस्तों, आप भी देखिए नन्हे पत्रकार सरफराज खान की यह रिपोर्ट। अब तक उत्तरवी प्राथमिक विद्यालय भिकिया चक में पहुँचाओ, इसका मकसद क्या हुआ मैं आपने कहा, ये देखिए आप देखा कैमरा मैन इधर, जैसे कि मैं बता जा रहा हूँ स्कूल खुल के घर में सो गया है, खाली हाजिरी बनाने आता है इस स्कूल में, दूसरा भी बच्चा नहीं है, बच्चे से पूछा मैं क्यों नहीं इस स्कूल में पढ़ने आते आप लोग, अब स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते है भाई, क्यों पढ़ने तक पढ़ाते नहीं है, लेटरिंग करने भी बहुत तकलीफ होते हैं, और पानी का व्यवस्था क्या होता है, पानी वहाँ बहुत दूर जाने पड़ता है, और इधर देखा कैमरा मैन किधर आ रहा हूँ, देखिए अभी लैट्रिन का व्यवस्था मैं बताता जा रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है, क्यों नहीं है ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए, क्या कर रहा है सरकार, ये देखिए क्या क्या है लैट्रिन में, अब देखिए यह है लैट्रिन कैसा है, स्वच्छ भारत अभी चल रहा है अभियान, तो कैसा है स्कूल है, बच्चे को बाहर भेजते हैं कैसा है? स्वच्छ भारत किसा कहते हैं हम लोग, और तो गए हम कैमरा मैन साहब से कहे चप्पा कल भी अभी तक कोई नहीं हुआ है, चप्पा कल में अभी कोई नहीं हुआ है, देखे पानी पीने व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग, यह देखे जंगल है स्कूल में, कैसा है यह सरकार है कैसा ध्यान, अब इधर जा रहा है अब बताता जा रहा हूँ इधर तक है कैमरा मैन, रूम में क्या भरा है देखिए, ये रूम में क्या भरा है देखिए, ये रूम में क्या है कुत्ती धरा है, और देखिए कैमरा मैन इधर से खाइए देखिए इधर क्या है रूम में, ये स्कूल का रूम है क्या, देखिए स्कूल में सोनी सब रखता है, कैसा स्कूल है भाई, अभी देखिए ऐसा स्कूल क्या, बच्चे लोग पढ़ने नहीं आता तब कैसा पढ़ने नहीं आता, बोले क्यों नहीं आता है
स्कूल का रिपेयरिंग क्यों नहीं कर पाता, टंकी और चापाकल। एक भी टीचर नहीं स्कूल में। अभी टाइम हो रहा है 12:45 होता होगा, देखिए अभी आज का दिन है गुरुवार। सरफराज की यह वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरफराज से फोन पर बातचीत की और स्कूल की व्यवस्थाओं में सुधार करने का आश्वासन भी दिया। आगे आप देखिए कि किस तरह से शिक्षा मंत्री ने सरफराज खान से बातचीत की। मैं लोगा स्कूल में करंट रिकॉर्डिंग खाली करवाया लोगा लोगा हां वहां पढ़ाई होता है ठीक क्या होता है वहां पढ़ाई ठीक होता है हां अब्बा क्या नाम है अब्बा मेरा नहीं है अच्छा अच्छा चलो इसी तरह तुम स्कूल में ध्यान दिया इसलिए मेरे तरफ से मुबारकबाद और नंबर ही नोट करके रखो जब भी जी सर जब भी तुमको पढ़ाई में कोई दिक्कत होगा तुम हमसे मदद ले लेना। ये मदद लेता हूँ कि मैं बढ़िया स्कूल में पढ़ के पत्रकार बनना चाहता हूँ। पत्रकार बनने के अब तुम तो पत्रकार बनिएगे। सरफराज के यह वीडियो वायरल होने के बाद बड़े बड़े नेता सरफराज से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरफराज खुद भी वीडियो वायरल होने से बहुत ज्यादा खुश हैं। वीडियो वायरल होने पर न सिर्फ सरफराज बल्कि स्कूल प्रशासन भी भौचक्के रह गए। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहा है इस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक ने। सरफराज वीडियो बनाया था उस दिन स्कूल में, आप यहीं थे? हमको पता ही नहीं था बनाया था, मैं 2 बजे से 3 बजे तक उपस्थित थे। अच्छा। लेकिन पता ये नहीं था। तो स्कूल का समय था कि ऐसे बिना समय का आ गया? पता ही नहीं है, स्कूल में तो रहते हैं, ये तो स्कूल में नहीं हुआ, कैसे पता आपको नहीं। तो जो वो गंदगी वंदगी का बातचीत था वो तो सबसे सही बात था कि गलत? वो साहब वो साइड में जो था ना वो तो बसा हुआ तो था, साइड में तो लेकिन सामने तो साफ था। अब वो साहब वो जो जो विद्यालय जो रूम जो लगा हुआ था तो उसमें ये था कि उसमें फटा उटा जल रहा है, उसमें बच्चे उच्चे चले जाते थे तो पला तला पानी से लगे हुए रखते थे, उसमें वर्षा हुए तो उसमें लगातार आए तो उसमें क्या क्या वर्षा के भिग जाएंगे, तो सचिव ने अपना अपना वो सामान उसमें रख दिया। तो दोस्तों इस नन्हे पत्रकार पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।